अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हमारे घर में कोई चिप्स का पैकेट आता है तो हम सब मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो खत्म ना हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों हम चिप्स के इतने दीवाने हैं? चलिए जानते हैं। असल में चिप्स बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होता है क्योंकि चिप्स में इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन काम करता है। पहला नमक, दूसरा शुगर और तीसरा फैट, जो कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे खाते ही आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होने लगता है और ये बार बार आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि आप चिप्स खाते रहें, फिर भले ही चाहे आपको भूख हो या ना हो। वहीं आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि आपको ये तीनों कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर फूड में देखने को मिलते हैं, जैसे कि चॉकलेट और आइसक्रीम, जिसके हम सब दीवाने हैं। तो अब से चिप्स खाते समय जब भी आपका मन ना भरे तो समझ लेना डोपामाइन रिलीज हो रहा है, और तब थोड़ा रुक जाइएगा क्योंकि पैकेजिंग चिप्स जितने खाने में अच्छे लगते हैं उतना नुकसान भी करते हैं। क्या आपको पता है कि जब इंडिया में अंग्रेजों का शासन था तब इंडिया में तीन तीन कैपिटल यानी कि राजधानियां हुआ करती थी? पहली थी शिमला जो कि इंडिया की विंटर कैपिटल थी, दूसरी और तीसरी थी दिल्ली और कोलकाता, और ये दोनों इंडिया की समर कैपिटल्स हुआ करती थी। हालांकि अंग्रेजों ने इस तरह का सिस्टम कई देशों में लागू करके रखा था, लेकिन बाद में सभी देशों ने अपनी अपनी एक ही कैपिटल कर ली, जैसे कि इंडिया ने दिल्ली। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि एक देश ऐसा भी है जिसकी आज भी तीन कैपिटल है, और वो है साउथ अफ्रीका, जिसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्रिटोरिया है, लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन है और जुडिशियल कैपिटल ब्लोमफोंटेन है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका साल 1994 तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। वैसे गाइस, यहां सोचने वाली बात यह है कि ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों ने खुद की कैपिटल सिर्फ एक ही रखी, लेकिन बाकी गुलाम देशों की कैपिटल तीन तीन रखी। ऐसा क्यों है, क्या आप जानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ए टू मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में।